मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको 300 की शर्ट मिलेगी। अब ये जस्ट 400 की शर्ट आपको मिल रही है यहाँ पे चेज़ अप में, कि सिर्फ और सिर्फ 600 से यहाँ से टी शर्ट स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लो प्राइस में आपको 300 से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेंज है, डिफरेंट किस्म के जो शूज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद यहाँ पर आप देखेंगे आपको टी शर्ट्स भी अब आ चुकी हैं, कैजुअल शर्ट्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर शर्ट्स की जो टी शर्ट्स की जो रेंज है वो आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मल शर्ट्स की रेंज मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आपको जेंट्स जो सूट्स हैं ना उनकी जो रेंज है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाती है कुछ सेट्स की वैरायटी है, डिनर सेट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मज़ीद जो कप्स हैं ना ये हैंग हुए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो टिफ़न्स हैं ना टिफ़न्स की वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर आपको जो बच्चों की जो आइटम्स हैं वो मिलेंगी कम्प्लीट, जो आपको गारमेंट्स की रेंज है वो मिलेंगी। कुछ खिलौने शिलौने बच्चों के वो मिलते हैं, टॉयज़ की वैरायटी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ जो ट्रॉलीज़ हैं ना वो मिल जाएंगी। जी तो फ्रेंड्स, चेज़ अप के सेकंड फ्लोर पे जैसे ही आप आते हैं ना ऊपर, ये एस्केलेटर है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं, ये स्टेयर्स हैं, दोनों साइड से आप आएंगे तो आप इसी जगह पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिलेंगी, प्लास्टिक फर्नीचर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्लास्टिक की जो मज़ीद जो आइटम्स हैं ना वो यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो बास्केट्स वगैरह जो इस तरह की जो आइटम्स हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पर ही हैं। एग्ज़िट और एंट्रेंस आप इसको कह सकते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेंज है, बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, स्टोरेज बॉक्सेस जो होते हैं, बकेट्स हैं, बाल्टियाँ और ये एक्रेलिक की जो चीज़ें होती हैं जो ग्लास वगैरह वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो अब हम प्रॉपर एंटर होते हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर में जैसे ही आप एंटर होते हैं आप देखेंगे आपको इस तरह का कुछ यहाँ पर सीन मिलेगा। आपको जो फर्स्ट लुक में जो चीज़ें नज़र आएंगी वो होंगी गारमेंट्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बच्चों की जो आइटम्स हैं वो मिलेंगी कंप्लीट, जो आपको गारमेंट्स की रेंज है वो मिलेगी। ठीक है, ये आप देखेंगे। यहाँ पे आपको जो बेबी केयर है ना, बेबी केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नीचे जो है ना वो किड्स का एरिया था और नीचे की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ये जो है ना बेबी केयर है बच्चों के लिए। तो ये कंप्लीट जो बेबी केयर की जो रेंज है ना वो यहाँ पे मौजूद है। तो बेबी केयर के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगी कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह जो है ना वो मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको खिलौने वगैरह जो है इस तरह की जो आइटम्स है ना वो मिलेंगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। पार्टी आइटम्स हैं यहाँ पे कुछ, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुशन्स वगैरह इस तरह के जो आइटम्स हैं ना, बालू वगैरह जो बच्चों के वो मौजूद हैं। और यहाँ पे भी आपको कुछ खिलौने शिलौने बच्चों के वो मिलते हैं, टॉयज़ की वैरायटी आपको मिलेगी, ये डिफरेंट ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद दूसरी साइड की अगर बात करें, यहाँ पर जो डॉल्स वगैरह ना बच्चियों के लिए वो चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टॉय डिपार्टमेंट है ये वाला। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको बॉल मिलेंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो स्पोर्ट्स यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। और यहाँ पे बैट्स मिलेंगे आपको, और ये एक छोटा सा स्पोर्ट्स का सेक्शन है जहाँ पे आपको चंद चीज़ें मिलती हैं। आगे वाली साइड भी आप देखेंगे तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह, साइकिल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो रिमोट वाली गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं टॉयस में आ जाती हैं वो चीज़ें हैं। तो अभी हम जो राइट वाली जो साइड है ना वो कवर कर रहे हैं, दूसरा जो पोर्शन है ना वो हम देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो टिफ़न्स है ना, टिफ़न्स की वैरायटी मिलेगी, और यहाँ पर आपको बॉटल्स मिलेंगी स्कूल के लिए, ये चीज़ें हैं। और दूसरी साइड की अगर बात करें तो ये जो खवातीन ने घर में रखे होते हैं ना डब्बे शब्बे, ये वो हैं जो हर साइज़ के ऑलमोस्ट होते हैं घरों में, तो हमारी अम्मियों ने रखे होते हैं ये वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो चीनी की जो चीज़ें हैं, शीशे की जो चीज़ें चूज़ें हैं, ये बॉल शॉल जो है ना ये वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको जो सेट्स वगैरह ये मिल जाते हैं, आई थिंक आप यहाँ से सेपरेटली भी परचेज़ कर सकते हैं, पर पीस की प्राइसिंग होगी, और आप सेट वगैरह भी जो है ना बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है कप्स की वैरायटी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कप्स और जो ग्लास है ना वो आ जाते हैं, शीशे के ग्लास हैं यहाँ पे, जो जग सेट है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। बैक साइड पे भी आपको कप्स की वैरायटी मिलेगी,
जो हम घर में यूज़ करते हैं रेगुलर। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कुछ जार्स हैं और मज़ीद यहाँ पर जो ट्रेज वगैरह जो होते हैं ना वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर मज़ीद आपको कुछ बॉटल्स की वैरायटी मिलेगी, कुछ जग्स मिलेंगे, कुछ जार्स जो होते हैं जो बॉक्सेस होते हैं, तो यहाँ पे आपको हॉट पॉट की वैरायटी मिलेगी। ऊपर वाली साइड पर आप देखेंगे आपको कूलर्स चंद मिलेंगे और इस तरह की चीज़ें हैं जो वैक्यूम जग्स हैं आपको वो मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रेशर वगैरह किचन की जो आइटम्स हैं ना वो मिलेंगी, इसमें ये आ जाती हैं कढ़ाइयों वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये होम प्राइड जो है ना इनके पास इनका ब्रांड है चेज़ा, आई थिंक होम प्राइड के इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको जो वैक्यूम क्लीनर है वो मिलेंगे, मतलब आगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बीच में आपको कटलरी का सामान मिलेगा, पिज़्ज़ा कटर वगैरह ये वो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आदमी यहाँ पर ट्रेस की वैरायटी है। यहाँ पे मज़ीद जो कप्स हैं ना ये हैंग हुए हुए हैं, एक्चुअली मग्स हैं बड़े साइज में आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाती है कुछ सेट्स की वैरायटी है, डिनर सेट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो इधर होता है हमारा क्रॉकरी का आलमोस्ट एंड इस लाइन पे, ठीक है। इधर आपको मज़ीद जो होम प्राइड की मोस्टली यहाँ पे आइटम्स हैं ना वो मिलेंगी आपको। नीचे वाली तरफ स्टेनलेस स्टील की चीज़ें मिलेंगी और ये नॉन स्टिक्स की वैरायटी, नॉन स्टिक और कंप्लीट जो आइटम्स हैं ना ये आपको पता ही होगा क्या क्या कुछ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे क्रॉकरी जी। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कुकिंग प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं कुछ, यहाँ पे आपको चंद एलईडीज़ मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको वूफर्स मिल जाते हैं, नीचे वाली साइड पे वूफर्स वगैरह जो है ना ये लगे हुए हैं, साउंड बार्स वगैरह ये वो। यहाँ पे आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको शेविंग मशीन्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको आयरन्स की वैरायटी मिलेगी, वो वाली साइड पर देख सकते हैं इंसेक्ट किलर्स वगैरह इस तरह की जो आइटम्स हैं ना वो मौजूद हैं। और आगे वाली साइड पर देखेंगे यहाँ पर आपको जो फूड प्रोसेसर वगैरह जो होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो गारमेंट स्टीमर है वो मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की रेंज मिलेगी, जूसर ब्लेंडर वगैरह जो होते हैं वो मिलेंगे और चॉपर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ब्लेंडर सिलेंडर जो है ना चॉपर्स की वैरायटी है देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक जो फ्रायर है, ठीक है। ये सभी रेंज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही, इलेक्ट्रॉनिक कैटल जो है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे ओवन्स की वैरायटी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो अभी इस वक्त आलमोस्ट आप कह लें कि जो सेकंड फ्लोर है ना ये हाफ हमने कंप्लीट कर लिया है, हाफ जो डिपार्टमेंट है ना अब वो जेंट्स का कम्प्लीट। यहाँ पर आपको मिल जाएगी शूट्स की वैरायटी और ये मैं बिल्कुल अभी लास्ट पर हूँ, लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेंज है, डिफरेंट किस्म के जो शूज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ऊपर तक है वैसे। बट अगर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा तो ये वीडियो आधे घंटे पे पहुंच जाएगी, इसीलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आगे जो चप्पल्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, मज़ीद यहाँ पे जो रेंज आगे वाली साइड पे भी आपको मिलेगी सैंडल्स वगैरह में। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लो प्राइस में आपको 300 से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। शू डिपार्टमेंट के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ ट्रोज़र्स, यहाँ पे आपको ट्रोज़र्स की रेंज मिलेगी, डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट प्राइसेस के यहाँ पे ट्रोज़र्स हैं। उसके बाद बेल्ट्स की वैरायटी है यहाँ पे। और मज़ीद आप आगे चलेंगे यहाँ पे आपको जो लॉन्ग निकट्स हैं वो मिल जाएंगी, ट्रोज़र्स आपको मिल जाएंगे, ये कॉटन की जो गर्मियों वाले जो ट्रोज़र्स होते हैं ना वो चीज़ें। और यहाँ पर आपको कुछ कोट्स की वैरायटी मिल जाएंगी। उसके बाद पीछे आप देखेंगे आपको पीछे भी जो कोट्स की जो वैरायटी है ना वो मिल जाती है, शर्ट्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। मज़ीद यहाँ पे आप देखेंगे आपको टी शर्ट्स भी अब आ चुकी हैं, कैजुअल शर्ट्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं,
और फुल बाजू टी शर्ट्स वगैरह जो रेंज है कंप्लीट यहाँ पर रेंज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टाई कलेक्शन टाइज की जो वैरायटी है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ट्रैक सूट्स, ट्रैक सूट्स हैं और यहाँ पे पैंट्स हैं, ये पैंट्स हो गए फॉर्मल डिफरेंट प्राइसेस में, यहाँ पे लो से लो और हाई से हाई यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो रही है और 2000 तक यहाँ पे जा रही हैं और इधर उधर और भी वैरायटी होगी। तो यहाँ पे आपको शर्ट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको जो कोट्स हैं वो मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो कॉटन की जो पैंट्स हैं वो मिल जाएंगी। जीन्स की ये जो कैटेगरी है ना ये थोड़ी सी मतलब बाहर जो पड़ी हुई है इससे भी सस्ती होती है, ये 1300 से लेकर 1800 तक है, बाहर इससे भी सस्ती वाली भी होती हैं ये है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी वैरायटी मिल जाएगी पैंट्स की। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मल शर्ट्स की रेंज मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। मैं दूसरी साइड पे भी आपको दिखाता हूँ, दूसरी साइड पे भी यहाँ पे शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं और ये सभी फॉर्मल शर्ट्स हैं। ये हो गई, अब ये पैंट्स मैं आपको कह रहा था इधर उधर भी लगी हुई हैं, ये आप देखेंगे कॉटन की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे पैंट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी, ठीक है, इनके भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये जीन्स आ जाती है, इसकी भी डिफरेंट प्राइस है, यहाँ पर भी लगी हुई हैं। फॉर्मल शर्ट्स के बाद यहाँ पर आ जाती हैं कैजुअल शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स में भी आपको काफ़ी रेंज मिल जाती है। दूसरी साइड में भी कैजुअल शर्ट्स हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आ जाती हैं जी टी शर्ट्स, गर्मी आ गई है बस टी शर्ट्स भी आ गई, तो ये देखें अभी जिधर कैजुअल लगी हुई है इधर भी गर्मियों में मज़ीद जो टी शर्ट्स हैं ना वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे शर्ट्स की जो टी शर्ट्स की जो रेंज है वो आप देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पीछे दिखाता चलूँ, यहाँ पर जो जैकेट्स वगैरह हैं वो हैं, काफ़ी अच्छी जैकेट्स होती हैं यहाँ पे, कोट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं यहाँ पे। ये कुर्ते आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सॉक्स की वैरायटी, सॉक्स मिल जाएंगे आपको इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आप आएंगे आगे आपको अंडरगारमेंट्स जेंट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंट्स जो सूट्स हैं ना उनकी जो रेंज है वो मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो वेस्ट कोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ जो ट्रॉलीज हैं ना वो मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, बैग से बैग भी मिल जाते हैं आपको, ये वो इस तरह की आइटम्स हैं। अच्छा बीच में मैं आपको दिखा देता हूँ, बीच में यहाँ पर जो शर्ट्स होती हैं ना वो अब देखें सिर्फ़ और सिर्फ 600 से यहाँ से टी शर्ट स्टार्ट हो रही हैं, काफ़ी लो प्राइस में यहाँ पे शर्ट्स वगैरह अक्सर होती हैं तो सेल वगैरह भी लगती रहती है। अब ये जस्ट 400 की शर्ट आपको मिल रही है यहाँ पे चेज़ अप पे, और अब ये जो शर्ट है मैं आपको दिखाता चलूँ ये 50% ऑफ पे है। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ ना, अगर आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँ, ये 600 की शर्ट है सिर्फ़ और सिर्फ 600 रुपये की, और ये है भी 50% ऑफ पे, तो मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 300 की शर्ट मिलेगी। तो इस तरह की जो ऑफर्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं। अभी टी शर्ट आप देख सकते हैं ये 400 की टी शर्ट है, और ये आप देखेंगे आपको रेगुलर प्राइस में मिल रही है, डिस्काउंटेड नहीं है, वैसे ही 400 की जस्ट। और मैं बस लास्ट डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुशंस की वैरायटी मिल जाती है, पिलोज़ मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, उसके अलावा टॉवल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी वैरायटी बेड शीट्स की, टॉवल्स की, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर टॉवल्स वगैरह होते हैं, ये आप देख सकते हैं बार टॉवल काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे आ जाता है फिर काउंटर जहाँ पे बिल होगा, बेड शीट्स की वैरायटी आ जाती है, ये भी आपको बेड शीट्स की वैरायटी मिलेगी। तो ओवरऑल यही है चेज़ अप का सेकंड फ्लोर जो कि लास्ट फ्लोर है। तो आई होप आपको मैंने जो सभी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियरली दिखा दी होंगी, और इसी वजह से जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो चुकी है। तो बाकी आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहें वो भी यूट्यूब चैनल पे और या फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं, और वो जो पार्ट है ना वो मैंने बनाया है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का, और ये इस वक्त मैं सेकंड फ्लोर पे मौजूद हूँ। जी तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा ये लास्ट पार्ट था चीज़ आपकी वीडियो का, और आप बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं
आपको कंप्लीट जो चीज़ आपका मैंने विज़िट करवाया, जिसमें मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का सेपरेटली विज़िट करवाया, ताकि आपको जो कंप्लीट जो चीज़ें हैं ना वो मैं डिटेल के साथ दिखा सकूं। अगर कोई डायरेक्टली जस्ट मेरी जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसकी वीडियो देखना चाहता है कि उसमें क्या क्या कुछ होता है, वो आप सेपरेट देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट और सेकेंड फ्लोर की सेपरेट। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।